आपके साथ एक सेगमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले है फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब मेरी जो थी वो थी, जस्ट मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था, तो मैं वहाँ पे एक आईटी, मैं एक डॉक्टर, मतलब कहते हैं ना, इट जस्ट नॉट अ जॉब, बट मैं वहाँ पे जॉब पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब किया था, तो इसलिए वो मेरी फर्स्ट जॉब है। बिकॉज वहाँ पे मेरी 2500 समथिंग मुझे इंटर्नशिप का मिलता था, वही मेरी पहली जॉब थी और उस समय बहुत अच्छा लगता था कि आई एम अर्निंग 2500। ओके, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट मैंने बता दी 2500 होंगी। ओके, तो उसका क्या किया आपने फिर? उसका मैंने एक्चुअली फर्स्ट पेमेंट जो मेरी थी ना, मैं बचपन से मतलब एजुकेशन में काफ़ी थी चीज़ों को लेके, तो मैं ट्यूशन्स वगैरह क्लासेस भी लेती थी, तो फर्स्ट पेमेंट मेरी वही थी। जॉब की पेमेंट अलग थी, फर्स्ट पेमेंट ये थी कि मैंने काफ़ी कम टाइम से मैं ट्यूशन्स क्लासेस वगैरह लेती थी, और उस पेमेंट से जब भी मेरी ट्यूशन फीस आती थी तो मैं घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ और अपनी शॉपिंग एंड पहले से मेरे प्लान्स बन जाते थे, अब इतने पैसे का ये करना है ये करना है। ओके, पहला फ़ोन, पहला फ़ोन जो था मेरा आफ्टर 12th, मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था सैमसंग कैमरा, इतना क्यूट सा पिंक कलर का, तो गिफ्टेड बाय माय मॉम, तो मेरा। ओके, फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट कब लगा आपको? फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट, प्रिटी मोमेंट। ओके, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे प्रिटी मोमेंट जो है मेरे फ्रेंड्स के साथ ही रहे, जो अभी भी मैं जिनके साथ टच में मिल रहे हैं, फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, तो जो भी मेरे देहरादून के फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ मेरे सिली प्रिटी सारे मोमेंट्स रहे हैं। और क्या था, बहुत सारे मोमेंट्स हैं वो, मैं कुछ अभी क्या बताऊँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ उनके साथ मेरे फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस मुझे बचपन से डांस का, गाने का और एक्टिंग का, तो खैर वो डेस्टिनी स्टोरी होगी, बट बहुत शौक था, तो फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था मेरा बचपन में मेरे स्कूल टाइम। किसी की रैगिंग की है पहली बार कभी भी? रैगिंग नहीं यार, रैगिंग तो नहीं, मैं थोड़ी सी पहले ज़्यादा ही सीरियस आ रही थी, अब कर सकती हूँ, पहले किसी की रैगिंग। ओके, सो फर्स्ट आपको कब लगा कि आई एम अ बिग स्टार, लेकिन आई लाइक मिरर में देख के, या कहीं भी ऐसा कभी फील हुआ हो फर्स्ट टाइम? बिग स्टार तो नहीं, बट बचपन से ही मुझे डांस वांस का काफ़ी शौक था, तो मैं रेडी होके बाहर ही जाती थी, बट मम्मी की साड़ी लिपस्टिक वो रेडी होके अपने आप को मिरर पे देखती थी और अच्छा फील करती थी, बट एक्चुअली ये होता है जो आप सोचते हो आपको मिलता है, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं टी वी पर आऊँगी, एक्ट्रेस बनूँगी, काम करूँगी, ये होगा वो होगा, बट हाँ उस टाइम मैं सोची थी यार ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, अब एक लड़कियों वाले सवाल, फर्स्ट टाइम कुकिंग कब किया आपने? बचपन से मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना, पसंद ऐसे मुझे कुछ देर होगी तो मैं, क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा किचन में एक होता है, हम मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ पे एक होता है कि सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो देखते देखते ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सब कुछ, और जो मेरी पहली चीज़ थी वो थी रोटी, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनानी सीखी, तो रोटी में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाती थी, तो कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती थी, तो मैंने बचपन में कुकिंग कर ली थी आई थिंक 8th 9th क्लास। ओके, आई थिंक ये इंटरव्यू देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर आएंगे क्या क्या रेसिपी बना लेते हो? वो तो उसके लिए आप ना इंस्टाग्राम में जाके मेरा लॉकडाउन का वो देख लेना, जो मैंने बनाया है कुकिंग बाई मी समथिंग एज 2020 लॉकडाउन का जो भी था, उस पर जाके आप चेक कर लेना, उसको सारी डिशेज मिल जाएंगी, और कुछ बनाऊंगी तो मैं डालती रहूँगी स्टोरी। ओके, लास्टली आपके इंस्टाग्राम पे जो फैंस हैं उनके लिए लास्टली मैसेज क्या देंगे आप? बस गाइज, मैं थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं एज अ रेवा, और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं देखती हूँ इतने एडिट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, और मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगी, क्योंकि जैसे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, तो इसी तरह पसंद करते रहिए, बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी सबके साथ। थैंक यू सो मच।